नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेंद्री स्टॉक्स में। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास एंजल वन या फिर जीरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके इजीली आप अकाउंट खोल सकते हो और विश्वसनीय ब्रोकर के साथ आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइकोलॉजिकल रूल्स के बारे में यहाँ पे जो दिखाया है जो स्लाइड में, ये रूल्स को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि इसमें से आप कौन सा गलती को सुधार सकते हो ये रूल्स से। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल रूल्स है, इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे चार्ट पे। आज दोस्तों सबसे पहले देखिए, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के बारे में ही डिस्कशन करता हूँ। यहाँ मैं ना ही मैं कहता हूँ कि बुलिश, ना ही कहता हूँ बेयरिश, बिकॉज एवरी मोमेंट, जो फ्राइडे का चार्ट था उसमें भी देखिए जबरदस्त मूवमेंट था, आज का भी देखिए जबरदस्त मूवमेंट था। आप स्कैल्पिंग के थ्रू इसमें अच्छे से अच्छा मुनाफा कर सकते हो विद माइनर स्टॉप लॉसेस। माइनर लॉसेस देखिए आप अच्छा खासा गेन कर सकते हो, बशर्ते आपको ग्रीड से दूर रहना है और थोड़े थोड़े आपको ट्रेंड को समझना है। देखिए, फर्स्ट मॉर्निंग में एक ट्रेंड बना, ठीक है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, फिर सेकेंड में एक ट्रेंड बना। अभी इस ट्रेंड में जो हलचल होते हैं, इस हलचल में ही आपको ट्रेड करना है। ये नहीं कि मैं यहाँ लेके बैठ जाऊंगा और पूरा सारा दिन वेट करूंगा 300 400 500 पॉइंट का आपको मुनाफा, ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि आपका दुकान का टाइमिंग यहां से लेके यहां तक है, अब आप इससे कैसे ट्रेड करोगे थोड़े थोड़े करके। अब दो ट्रेड करो, चार ट्रेड करो, लेकिन थोड़े थोड़े करके विद माइनस स्टॉप लॉसेस करना है, ग्रीड नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड बना, तो यहाँ पे ट्रेंड में भी आप एक कॉपी कर सकते थे, ठीक है, एक ट्रेड कर सकते थे। यहाँ एक ट्रेंड बना तो यहाँ एक कर सकते थे, यहाँ एक ट्रेंड बना तो यहाँ पे भी आप एक छोटा सा पी, छोटा सा सी लेके आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। 5-7 मिनट का ट्रेड होता है, 2 मिनट का ट्रेड होता है, आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। तो ऐसे करके अगर आप ट्रेड लेंगे स्कैल्पिंग के थ्रू, यू कैन डू मच बेटर। सपने देखने से अच्छा आप स्कैल्पिंग के थ्रू ये कम से कम 2-3 हजार रुपए तो मिनिमम तो निकाल ही सकते हो दोस्तों, ठीक है, विद माइनर लॉसेस। तो ये रहा बैंक निफ्टी का, कल देखा जाएगा कल क्या है, बुलिश है कि बेरिश है, इससे कोई मतलब नहीं। आपको इस हलचल में ही आपको अपना गेन करना है। ओके, सो पास्ट स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं, वो कैसा रहा। पास्ट स्टॉक का एनालिसिस भी अच्छा ही रहा है, सही रहा स्टॉक। आप लोगों ने अगर सही मौके पे अगर आपको चार्ट समझ के आपने किया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, फर्स्ट जो कैंडल होता है उसमें चाहे आपको टारगेट दे चाहे ना दे, इसमें थोड़ा सा अवॉइड करने से अच्छा रहता है। अगर जो स्कैल्पर टाइप के होते हैं तो फर्स्ट में ट्रेड लग सकता है, और अगर जो बिगिनर है जिसको एकदम ही मार्केट में नया है तो वो अवॉइड करे, वो ट्रैप हो सकता है, इसमें स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका मेन जो ट्रेड बना यहाँ, जो यहाँ पे आपको 10:15 बजे के आसपास आपको यहाँ पे ट्रेड बना, और यहाँ पे आपने अगर शॉर्ट सेल का आपने ट्रेड लिया है तो यहाँ पे आपको अपना टारगेट अचीव हो गया है। ठीक है, आपका टारगेट अचीव हो गया है शॉर्ट सेल के साइड में। ठीक है, 10:15 बजे के हिसाब से आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया है, तो हमारा ट्रेड ये सिप्ला का अच्छा रहा। ओके, सो कल का ट्रेड हम बता देते हैं, दैट इज पॉलीकैब। देखिए मैं ये आपको चार्ट में मैं आपको समझाता हूँ, पूरा लॉजिक समझाता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, आप लोगों को लगता है कि ये जो पैटर्न है ना कहीं काम नहीं करता। पैटर्न हर जगह है दोस्तों, हर जगह। आप अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो पुराने से पुराने समय में इसके जाइए चार्ट के, कहाँ पे क्या क्या आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है, उसका क्या ब्रेकआउट हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, मैं आपको सीधा ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ एक पैटर्न बना है, एक वेज टाइप का या फिर एक चैनल टाइप का बना, फिर चैनल में अच्छा खासा एक देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, एक पुल बैक बना, फिर धड़ाम से नीचे गिरा मार्केट। ठीक है, फिर यहाँ एक पैटर्न बना था, इसको भी मैंने नहीं दिया, ठीक है, इतना कुछ नहीं, मैं मोटा मोटा दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ से पुल बैक देके नीचे मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे एक पेनेंट का पैटर्न बना, फिर यहाँ से भी इसने अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पे फिर से एक पेनेंट पैटर्न बना, फिर नीचे की तरफ धराशायी हो गया मार्केट। ठीक है, और फिर यहाँ पे आज का अभी का जो पैटर्न बन रहा है ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है, जो प्रॉपरली अगर आप चार्ट पैटर्न या प्राइस एक्शन का आप लोग देखेंगे तो ये एक पैटर्न बनता है। ठीक है, कल के डेट में यहाँ पे एक चीज मतलब दो चार सिनेरियोज हो सकते हैं, यू कैन आइदर फॉलो दैट। ओके, आप फॉलो करेंगे सिर्फ मेयर, ये जो यहाँ पे मैं यहाँ पे चार्ट देख रखा हूँ, यहाँ पे जो प्राइस चार्ट देख रखा हूँ ना, इसके अनुसार मत कीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे भी आपको करना हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए, जैसे मार्केट ओपन हुआ, सेंटिमेंट फ्लैट रहा, मार्केट फ्लैट रहा,
तो वो साइडवेज मूवमेंट देगा, तो वहां पे हमें कुछ भी नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, अगर मार्केट खुला, सेकंड सिनेरियो बोल रहा हूँ, अगर मार्केट खुला, अच्छा सा ब्रेक दिया, ब्रेक देने के बाद वो यहीं पे स्टैग्नेट कर रहा है या फिर यहाँ से एक थ्रोबैक ले रहा है। थ्रोबैक मीन्स इट्स टेकिंग सपोर्ट ओवर इट्स रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के यहाँ पे एक सपोर्ट लेके अपसाइड मूवमेंट दिया, वी विल टेक एंट्री अबव 2574 एंड आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 2589 एंड सेकंड विल बी 2599। फर्स्ट टारगेट विल बी आवर प्रायोरिटी। ओके, और उसके बाद अगर मार्केट खुलते ही एक ब्रेक दिया और यहाँ पे ब्रेकआउट देके फिर वो नीचे की तरफ टूट के गिरा, मींस मेकिंग अ फॉल्स ट्रैप, तो उस ट्रैप से हमें बचना है। ट्रैप से हम कैसे बचेंगे? वही कि वो थ्रोबैक लेगा, यहाँ पे वो सपोर्ट लेके अपसाइड मूवमेंट देगा। अगर ये सपोर्ट लेके यहाँ पे नीचे की तरफ आए तो हमारा जो यहाँ पे जो ये रेंज है, इस रेंज में ही हमें एग्जिट हो जाना है, ठीक है, ट्रैप में नहीं फंसना है। सेम केस, सेम सिनेरियो इन केस ऑफ शॉर्ट सेल, इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड। ये दोनों में से एक में जो भी मैंने आपको सिनेरियो बताया वो दोनों में ही लागू है एंड वी विल ट्रेड अकॉर्डिंगली। ओके, मैंने आपको चार्ट समझा दिया, लॉजिक समझा दिया है, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं वो सारा चीज समझा दिया, नाउ ट्रेड अकॉर्डिंगली। ओके, बेटर बी विद दिस चैनल दोस्तों, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।